ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतपाल सत्ती के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हावी होती जा रही है। यह देखकर अब भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। सतपाल सत्ती के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हावी होती जा रही थी। यह देख अब भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जो सरासर गलत है। इस पर इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने चाहिए और उचित कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। रोष प्रकट करते हुए भाजपा नेता राजेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त से बाहर है, और इसलिए उन्होंने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा है ताकि इलेक्शन कमीशन इस पर कड़ा संज्ञान ले और उचित कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष पनप रहा है। अगर अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वाणी पर विराम नहीं लगाया तो भाजपा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये डिमांड रखी है भारत के निर्वाचन आयोग से कि जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं, हर रोज जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको जो है इमीडिएटली जो है बंद किया जाए, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जिस तरह का अनाप शनाप जप रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है और साथ ही साथ जो है एक इस भारत लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही जो है एक पीड़ादायक घटना है। ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की जो है शब्द जो है वो यूज किए जा रहे हैं, अभद्र भाषा जो है यूज की जा रही है। अपनी मान मर्यादाओं को और एक नैतिकता को जो है वो लांग रहे हैं, उसको एक शब्दों का दुरुपयोग करते हुए उनको चोर चोर शब्द कह रहे हैं। सारा देश बच्चा बच्चा जानता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और अपना सब कुछ देश के लिए उन्होंने निछावर किया है। अपने जो उनकी व्यक्तिगत कोई भी आय है, जो ऑनरेरियम मिलता है, वो भी वो गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगा देते हैं। इस तरह के शब्द जो है हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले समय में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और दे रहे हैं और हमारी रणनीति जो है वो वास्तविक रूप में कार्य रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और अपने आप को जो राहुल जी भविष्य का तथाकथित पीएम कहते हैं, उनको इस तरह की नैतिकता और मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए।